आदाब। मॉडर्न मेडिसिन में बहुत रकम रकम का दवाया आई, एंटीबायोटिक, पेन के लिए दर्द कम होने का दवा, सूजन कम होने का दवा, हार्ट प्रॉब्लम्स है तो, किडनी प्रॉब्लम्स है तो, ब्रेन का प्रॉब्लम है तो, वो सब भी कम होने का स्पेसिफिक स्पेसिफिक दवाएं आई। एंटीबायोटिक खाली, सिंगल एंटीबायोटिक खाली 79 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक है, कॉम्बिनेशन बोले तो 124 डिफरेंट कॉम्बिनेशन है। तो इतना दवाया में स्टीरॉइड भी एक दवा होना, तो स्टीरॉइड एक बहुत पावरफुल दवा, वो जल्दी में हमें लिखो देंगे नहीं, वो बहुत सारा बीमारियां में स्टीरॉइड यूज करेंगे। ईएनटी में खाली 15 डिफरेंट बीमारियां में हमें स्टीरॉइड यूज करेंगे, उसमें एक 3-4 बीमारी है वहां स्टीरॉइड खाली यूज करते हो मेन होगा, वो भी वो बीमारी शुरू होकर 10 रोज नहीं तो 2 हफ्ते के अंदर लेको चोना, वैसा लिए नहीं तो वो बीमारी वो कितना डैमेज आंग में डैमेज करना होगा कि ईएनटी का प्रॉब्लम डैमेज करना होगा कि वो डैमेज कर देगा, पर 2 हफ्ते के बाद स्टीरॉइड लेको भी फायदा नहीं। कब्बू तुम्हारा डॉक्टर वो ईएनटी रिलेटेड प्रॉब्लम में स्टीरॉइड होना बोलेगा कि तब तुम्हें वो टाइम में लेको छोना। तो स्टीरॉइड एक पावरफुल मेडिसिन, अच्छा इफेक्टिव मेडिसिन, उसका कितना इफेक्टिव की उसका लैक उसे साइड इफेक्ट भी है, उसको ऐसा क्या होता पेशेंट्स कब तो भी अच्छा बोल को जाएंगे मेडिसिन लेंगे नहीं। तो इसका क्या क्या साइड इफेक्ट को भी वो साइड इफेक्ट हमें कैसा कम करना को भी ये वीडियो में बोल देता हूं। तब स्टीरॉइड लेना को बोले तो कितना जल्दी होता कि उतना जल्दी ले लेना मैं बोलने का तरीका में। अब ये टेम्पलेट में भी मैं डाल लिया हूं क्या क्या साइड इफेक्ट रखो। अब स्टीरॉइड में साइड इफेक्ट क्या कहते हो, ब्लड प्रेशर भी ब्लड शुगर भी बढ़ेगा, ब्लड ऑलरेडी उन्हों ब्लड प्रेशर भी ब्लड शुगर है सो पेशेंट को तो जरूर बढ़ेगा। वैसा जरा पेशेंट को ब्लड प्रेशर ब्लड शुगर नॉर्मल रहेगा उन तो उनका अब्बा नहीं तो अम्मा को हाई ब्लड प्रेशर ब्लड शुगर रहेगा, ऐसा पेशेंट ऐसा बच्चे जब स्टीरॉइड लेना पड़ता उनको बीपी भी शुगर भी बढ़ने का चांसेस है। दूसरा पेशेंट कम उम्र पेशेंट ब्लड प्रेशर ब्लड शुगर नॉर्मल है तो स्लाइट इज बढ़ेगा उनको डरना ना, एसिडिटी बहुत बढ़ेगा, हंकी का अंदर है सो प्रेशर उसे ग्लोकोमा बोलते हैं, ग्लोकोमा वो ग्लोकोमा का वो हंकी का अंदर है सो प्रेशर बढ़ेगा, स्पेशल टाइप ऑफ कैटरैक्ट आने का चांसेस है। अब एक बात साथ बोल लेता हूं, यूजुअली ईएनटी में हमें स्टीरॉइड देते सब 5 से 20 दिन तक मैक्सिमम, उससे ज्यादा ईएनटी में नहीं देते, देने का कंडीशन में नहीं है वैसे। तो जो भी साइड इफेक्ट है ये 20 दिन के बाद वो नॉर्मल हो जाता। तो मैं ये किया बोलिया कहता हूं, अब नेक्स्ट बोलना जा रहा था साइड इफेक्ट बोन फ्रैक्चर होने का चांस है, वो कौन सा पेशेंट्स को होता सो 40-50 ईयर्स से ज्यादा 40-50 साल से ज्यादा उम्र है सो मरीजों को ऑलरेडी उनको बोन प्रॉब्लम है का तो उन्हें महीनों के हिसाब से स्टीरॉइड टैबलेट लिए तो बोन फ्रैक्चर होगा, बोन वीक होकर फ्रैक्चर होने का चांसेस है, वैसा पेशेंट्स को होता सो। अब ये जाते दूसरा छोटा छोटा साइड इफेक्ट क्या क्या पूछो तो बालां गिरने का चांसेस है, पाँव में सूजन, आंग में सूजन, सूजन रहने से सूरत राउंड को मालूम होगा और उनका मूड नॉर्मल नहीं रहेगा, जल्दी गुस्सा करेंगे, इरिटेबल स्टेट में रहेंगे, नींद नॉर्मल नहीं रहेगा और स्किन में उनका लाइन लाइन स्ट्रिएशन का आने का चांसेस है और मसल वीकनेस रहने का चांसेस है। ये सब भी जो भी मैं साइड इफेक्ट बोलिया वो आपको 20 दिन में डोस हल्लोल्लू कम करके 20 दिन में खड़ा डालेंगे, तब उसके बाद एक 5-10 रोज तो मैक्सिमम एक 2-3 हफ्ते के अंदर सब भी नॉर्मल हो जाएगा। अब ये कैसा ये साइड इफेक्ट पूरा हमें कम कर सकते तो मैं बता देता हूं, कब तुम्हारा डॉक्टर ये स्टीरॉइड्स लिखो प्रिस्क्राइब करके दे देंगे तब तुम्हें जरूर जाको तुम्हारा फैमिली फिजिशियन से मिलना। तो फैमिली फिजिशियन क्या बोलेंगे तो हर 3 दिन आपको
ब्लड प्रेशर भी ब्लड शुगर भी चेक करो बोलेंगे। तो चेक करते ही ब्लड शुगर ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो उसका कंट्रोल करने का दवा उन्होंने को देंगे, डोज बड़ा को देंगे। तो पहले से मैं बोला हूं 20 दिन के बाद ब्लड शुगर ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा तो मैं पहले का डोज में वापस भी आ सकते हैं। किसे हंकी का पावर मतलब लेंस का पावर नहीं हंक का प्रेशर ग्लोकोमा है कि उन्हें स्टीरॉइड शुरू करने का पहले जाको मिलना ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को हंकी के डॉक्टर को मिले तो उन्हें प्रेशर चेक करको तुम्हें वो तुम्हारा ईएनटी सर्जन लिखो दे सो स्टीरॉइड का दवा वो बस क्या कम करना क्या बुझ गया बोल को देंगे। वो दवा उत्तर स्ट्रेंथ में देना होगा नहीं को है तो वो तुम्हारा ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट भी तुम्हारा ईएनटी सर्जन भी आपस में फोन में बात करको कितना डोज ये पेशेंट को देना को डिसाइड करेंगे। और तुम्हारा हंकी के डॉक्टर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बोलेंगे इतना रोज के बाद आपको हंकी का प्रेशर भी चेक करना बोलेंगे। कब कब ये दवा स्टीरॉइड लेते हैं डॉक्टर कभी भी सुबह को खा ले वो बोले रहेंगे दोपहर को नको रात को नको बोले रहेंगे कभी बोलेंगे सुबह को भी रात को भी लोग बोलेंगे। वैसा है तो खाना का बाद उच लेना ब्रेकफास्ट का बाद डिनर का बाद उच लेना खाली पेट में खाना नहीं और क्वांटिटी नॉर्मल खाना लेना कम खाना तेल कम करना नॉनवेज कम करना और तेज कम करना बहुत ठंडागी नको गरम नको वेजिटेबल ज्यादा रहना ये दवा स्टीरॉइड्स खा लो को रहते हैं। वेजिटेबल्स कितना खाते हैं उतना अच्छा फ्रूट्स भी खाए तो अच्छा रहेगा। और ये खाने का डिनर का नहीं तो ब्रेकफास्ट का आधा घंटे का पहले एसिड पेट में बढ़ना नहीं सर रहना वास्ते उसका मेडिसिन जरूर लेना वो ओमेप्राजोल नहीं तो पेंटाप्राजोल नहीं तो एस्मेप्राजोल नहीं तो लैंसोप्राजोल कौन से थी एक डॉक्टर लिखे रहेंगे वो दो खत लेना सुबह को भी रात को भी। कब तक ये स्टीरोइड्स लेते हैं कि तब तक लेना उसका एक्स्ट्रा एक 10 डेज भी लिए तो भी अच्छा तो स्टीरोइड 20 डेज में स्टॉप हो जाएगा। और बाकी जो भी साइड इफेक्ट छोटा छोटा साइड इफेक्ट है जैसे कि हेयर फॉल छोटा पिंपल किसी का आता सो पर हाथ में स्किन में लाइन्स हो सका आता सो पर पीरियड्स का इरेगुलर फीमेल्स में पीरियड्स इरेगुलर होने का चांस है वो पीरियड्स इरेगुलर होता सो ये सब भी स्टीरोइड से स्टॉप करते ही सब भी इसे ट्रीटमेंट नको स्टीरॉइड स्टॉप करते ही सब भी नॉर्मल हो जाएगा तुम्हारा वेट भी पहले से का नॉर्मल हो जाएगा। तो ये इंस्ट्रक्शन से तुम्हें करेक्ट को फॉलो कर तो कितना साइड इफेक्ट कम करना होगा कि उतना साइड इफेक्ट कम करना कम कर सकते हैं इंशाल्लाह। मैं की वो बोल दूंगा तो तुम्हें लेना बोल दो तो स्टीरॉइड अब तुम्हें लिए नहीं तो बादू लेने वाका हूं ये तो बादू लेते भी इफेक्टिव नहीं रहेगा। उसको से लेने से टाइम में डॉक्टर बोले तो डोज में कितना रोज बोले कि ले लो हो न तो वो इंस्ट्रक्शन जो भी मैं बोलिया वो इंस्ट्रक्शन फॉलो करने ट्राई करो आदाब।